नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इन दिनों दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया मनमोहन सिंह का हालचाल जानने एम्स गए थे, लेकिन अब पूर्व पीएम की बेटी दमन स्वास्थ्य मंत्री पर भड़क गई हैं। दमन सिंह का कहना है कि मंडाविया उनकी माँ की परमिशन के बिना उनके पिता के कमरे में फोटोग्राफर लेकर गए। गौरतलब है कि मनसुख मंडाविया गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हालचाल जानने एम्स गए थे। इस दौरान उनके साथ एक फोटोग्राफर और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद थे। फोटोग्राफर ने पूर्व प्रधानमंत्री के कमरे में मंडाविया और गुलेरिया और फिर मनमोहन सिंह की तस्वीरें भी ली थी। पीएम मनमोहन सिंह की बेटी ने अब कहा कि मेरी माँ ने कई बार फोटोग्राफर को बाहर भेजने के लिए कहा, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो बहुत परेशान थी, मेरे माता पिता एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। दमन ने आगे कहा कि वो बुजुर्ग लोग हैं, चिड़ियाघर के जानवर नहीं। आपको बता दें कि गुरुवार को डॉक्टर सिंह से मुलाकात के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कथित तौर पर अपने ट्विटर हैंडल पर पूर्व प्रधानमंत्री के अस्पताल के केबिन में अपने दौरे की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी। हालांकि सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने का विरोध होने के बाद मंडाविया ने अपने हैंडल से ये तस्वीरें हटा दी थी, लेकिन अब इस मुद्दे पर ना तो एम्स की तरफ से और ना ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह को बुधवार शाम बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स के कार्डियक सेंटर में भर्ती कराया गया था। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया उनसे मिलने गए थे। कुछ समय मनमोहन सिंह के साथ रहे, उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली थी। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को एम्स ने आधिकारिक बयान में बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सेहत में अब सुधार हो रहा है। एम्स के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्व पीएम के स्वास्थ्य स्थिति में बुखार के कारण हुए संक्रमण में अब सुधार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।